बिजनेस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुणे में जल सैलाब, 17 की हुई मौत। केजरीवाल के घर पर बीजेपी का प्रदर्शन। आज ईडी ऑफिस जाएंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना है जरूरी। अब खबरें विस्तार से। पुणे में जल सैलाब, 17 की हुई मौत। स्कूल कॉलेज बंद। शहर पुणे में बुधवार से जारी बारिश ने भयंकर उत्पात मचाया है। कई जगहों पर पेड़ और पोल गिर पड़े हैं, जिसमें गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। वही लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण देर रात कटराज करनाल की दीवार टूटने के कारण 6 लोगों की जान चली गई। वही नाले में 5 लोग बह गए, जिनमें से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चे से जुड़े लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC से जुड़े बयान पर बवाल जारी है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें कि मनोज तिवारी असम के तर्ज पर दिल्ली के NCR लागू करने की बात कई बार कर चुके हैं। मध्यवर्ती सरकारी बैंक घोटाले में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ ईडी के मामले दर्ज करने पर बीजेपी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। इस मामले को भुनाने के लिए शरद पवार ने बड़ी कूटनीतिक चाल चलते हुए समन नहीं मिलने के बावजूद शुक्रवार को खुद ईडी दफ्तर में पेश होने का फैसला किया है। शरद पवार दोपहर 2 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड को आधार को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 है। इसके बाद लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड हो जाएगा बेकार। 30 सितंबर के बाद आपका पैन कार्ड मान्य नहीं होगा, यह किसी काम नहीं आ सकेगा। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे अमान्य करार कर देगा, इसलिए जरूरी है कि इसे जल्द से जल्द लिंक करवा लीजिए। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज लाइव। धन्यवाद।